मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू बायोलॉजी विस्टर चैनल। आई एम मनीष पौड़िया। बेटा मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं, आज बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमें केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। उसके बाद मैं टॉपिक कर लूंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा केमिस्ट्री जो बेटा सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के साथ ही आपका जो कंपटीशन का प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, जो जेई मेंस एडवांस नीट एम्स जो भी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा मतलब लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख सकते हैं। हमें केमिस्ट्री को क्या करना है, डे बाय डे थोड़ा 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 जितने मेरे वीडियो आ रहे हैं धीरे 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 थोड़े थोड़े करके हमें पढ़ना है। और उसमें हमें क्या करना है कि एक हैबिट बना लेना है कि हमें केमिस्ट्री को डे बाय डे पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट है बेटा बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। और मैं आपको एक एक वर्ड समझा ले जाता हूं, ठीक है, ये नहीं कि इसमें मैं ना समझाता हूं, एक एक वर्ड समझा ले जाता हूं। ये आपका अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये जो बेटा सब्जेक्ट है ये आपको कम पढ़ के ज्यादा नंबर इसमें आप ला सकते हैं। आप हो सकता है कि 100 में 100 मेरे केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। यदि मेरा डे बाय डे आप वीडियो देख रहे हैं, डे बाय डे आप थ्योरी को समझ रहे हैं, मैं वीवीआई भी बता देता हूं कि बेटा कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हर चीज स्टार मार्क करा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पढ़ने से पहले हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हमें जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमें डेली पढ़ना है, डेली पढ़ने के साथ ही हमारा थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, थ्योरी के बाद हमारा जो कंसेप्ट है सर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर करते जाना है। उसके बाद थर्ड आती है प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, उसके बाद मैं जो भी बेटा आपको नोमेरिकल करा रहा हूं उस नोमेरिकल को आप कंटिन्यू करते जाएं। तो यानी कि 3 स्टेज हो गया, 3 स्टेज के बाद 4th स्टेज आती है क्विक रिविजन। तो जब तक बेटा आप पढ़ रहे हो और आप रिविजन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ये आपका मेमोरी जो है ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये मेमोरी आपका हार्ड डिस्क नहीं है कि मतलब स्टोर कर लिया फिर वो भूलेगा ही नहीं। ये जो हमारा ब्रेन है बेटा ये क्या करता है कि कोई भी पुरानी चीज को क्या करता है कि भूल जाता है। फिर हमारा आज पढ़े, आज क्या थिंकिंग आई, कल क्या थिंकिंग आई, कल क्या पढ़े, तो वो क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जनवरी में पढ़ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जनवरी वो चीज यदि रिविजन ना करें तो हमारा याद नहीं रहेगा। तो इससे बेटा आप क्या करें कि आसानी से पढ़े। और मेरा बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, केमिस्ट्री एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जो कि आप अच्छे से कर ले जाएंगे। हमारा कहने का सेंस ये है कि बेटा आप केमिस्ट्री डे बाय डे पढ़ो और दिमाग में ये रखो कि मुझे केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना है। जब बेटा आपका दिमाग में टारगेट रहेगा कि मुझे 100% स्कोर करना है तो दिमाग में ये लेके चलना है कि आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा, ठीक है। तो बेटा आपको जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है डे बाय डे जैसे जैसे आप बेटा पढ़ते जाएंगे उसके बाद से क्या होगा, आपका लगाव होते जाएगा, जैसे जैसे लगाव होते जाएगा आप कम टाइम में ज्यादा नंबर लाओगे एज ए सीबीएसई बोर्ड एज ए कॉम्पिटिशन। मेरा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री से प्यार भी हो जाएगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। बेटा अब मैं क्या करूं कि लेक्चर को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, उसके बाद जैसे जैसे होगा मैं आपको धीरे धीरे मोटिवेट करते रहूंगा ताकि आप मोटिवेट होते रहे। अब भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है बेटा। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने बेटा पिछले लेक्चर में देखा कि जो रेट होता है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसे सर ने बताया था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन और नोमेरिकल जो कि बोर्ड में आता है। सेकंड बात आ गई कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं आज बताऊंगा जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छोड़ दिए, ना बेटा यहां तो आएगा ही, प्लस की कंपटीशन में भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो भर भर के जब फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं तो बेटा आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको इजीली समझ में आए, और बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी आता है
ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है बेटा, मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एज ए कंपटीशन, एज ए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुरू किया था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने फर्स्ट पढ़ा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमारा सेकेंड शुरू होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारा शुरू होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बेटा आपका बोर्ड के लिए, बोर्ड प्लस आपका इससे भड़भर के क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आता है, जेई मेन में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, नीट में भी आता है, एम्स में भी इससे भर भर के न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो टॉपिक है, आपका ये ट्रिपल स्टार टॉपिक है, जो कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया, तो उस टाइम पे आपको पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या। तो मैंने बताया था कि बेटा जब क्या होता है कि व्हेन द रेट इज डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बेटा कहने का सेंस ये होता है कि जब हमारा रेट फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड करता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां तक तो बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सर ने जो फ्लैशबैक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दिखाया, उसी चीज को सर यहां पे लिखने जा रहे हैं। यहां तक बेटा आपकी कंफ्यूजन की कोई बात होने वाली नहीं है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने से ही पता लगता है कि फर्स्ट यानी कि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसको, उसका पावर वन होगा, उसे बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्योंकि मैंने बेटा फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हर क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। जैसे कि बेटा आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने से, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने से ही पता चल रहा होगा कि सर ने क्या लिखवाया। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये क्या डिपेंड करता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड करता है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और जीरो कहने का सेंस क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा रेट पे। जब इंडिपेंडेंट जीरो है तो भाई कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इंडिपेंडेंट होगा, और ये है तो आपका बता ही दिए फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड करता है। बेटा अब हम इसका अब डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। When rate of reaction depends upon first power of reacting species is called first order of reaction. तो बेटा कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब कि क्या होता है कि जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज,
फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, उसे हम बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जैसे मैंने बेटा आपका लिखा कि ए गिव्स राइट प्रोडक्ट, जैसे बेटा मैंने लिखा कि ए गिव्स राइट प्रोडक्ट, तो कहने का मतलब कि आपका इनिशियली वैल्यू जीरो है, तो फाइनल वैल्यू मान लीजिए कि आपका ए आया, ठीक है। यदि मान लिए कि इनिशियल वैल्यू एक्स है, ठीक है, तो फाइनल ये इनिशियल वैल्यू एक्स है तो फाइनल वैल्यू ए माइनस एक्स आया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बेटा इनिशियल टाइम आपका टी इजकल टू जीरो, कोई भी चीज इनिशियली स्टार्ट होता है तो वो जीरो ही होता है, उसके बाद आपका फाइनल टाइम टी इजकल टू आपका टी हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली आपका जीरो हो रहा है तो फाइनली टी इजकल टू आपका टी हो जाता है। तो कहने का सेंस कि यदि हम कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो जीरो से ही शुरू होता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में, मैं बेटा आपको गारंटी देता हूं कि जीरो से आपको हीरो बना दूंगा, इसमें नो डाउट, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। तो मैंने लिखा कि ए गिव्स राइज प्रोडक्ट, तो इनिशियली जीरो, तो ये आपका ए हो गया। तो जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये इनिशियली जीरो होता है तो ये फाइनली ए माइनस एक्स हो जाता है। तो मैंने बताया कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो कि बेटा यहां पे आपको दिख रहा है कि रेट सर ने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो सर ने लिखा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इट मींस कहने का मतलब कि इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का सेंस ये होता है कि जो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए होता है तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको कहा जाता है। बेटा अब हम देख रहे हैं कि सपोज dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स, तो सर ने लिखा कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के ए माइनस एक्स आ जाएगा, तो डी अपॉन डीएक्स अपॉन डीटी के ए माइनस एक्स, वेयर वेयर जहां के इक्वल टू कॉन्स्टेंट और रेट कॉन्स्टेंट। तो सर ने लिखा कि जो ये आपका होता है कि ये डायरेक्टली, सर ने लिखा कि dx अपॉन dt के a माइनस x, तो यार जहां k इक्वल टू कॉन्स्टेंट या रेट कॉन्स्टेंट बेटा कह सकते हैं, इसे बेटा हम वेलोसिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो ठीक है बेटा, यहां तक हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसका डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आप यहां तक समझ लो कि यह होता क्या है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर ने बताया, तो सर ने सीधे बताया कि वेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो सर ने बताया कि जो ये डिपेंड करता है फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो बेटा आपको सर ने बताया कि ये फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है, रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है। जब सर ने बताया कि फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है, उसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि ए गिव्स राइज प्रोडक्ट यानी कि ए, तो कहने का सेंस जो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर वन होगा तो वो बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कहलाएगा। तो ए गिव्स राइज प्रोडक्ट, मान लीजिए कि इनिशियली जीरो है तो फाइनली ए हुआ, तो मान लिया कि इसका इनिशियली एक्स तो फाइनली ए माइनस एक्स। इनिशियल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो, किसी भी चीज को इनिशियली हम शुरू करते हैं तो टाइम आपका जीरो होता है एंड फाइनल टाइम टी इज इक्वल टू टी हो जाता है।
तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एयर, मैंने लिखा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एयर, तो कहने का मतलब कि इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे हम बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आगे आगे सर आगे बताओ, तो मैंने बताया कि dx / dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a - x, तो a - x dx / dt k a - x, तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बेटा k लग जाता है, तो k कांस्टेंट होता है, इसे रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं और आप इसको बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, आप यहां पे अच्छे तरीके से देख लें। नोट डाउन कर ले बेटा, आप नोट डाउन कर ले, कर लिए, चलिए ठीक है, आप लोग जीनियस हो, आप लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, यहां से मैं मिटा रहा हूं, तो बेटा मैंने क्या लिखा था, मैंने बेटा आपका लिखा था कि dx upon dt is equal to k a minus x, बेटा मैंने यहां तक आपका लिखा था जो पीछे था, तो dx upon dt is equal to k a minus x, जहां मैंने बताया कि k is equal to आपका क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट हो जाता है, रेट कांस्टेंट कहिए या इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। यहां तक बेटा आपको डाउट आने वाली कोई बात नहीं है, तो बेटा यहां तक आपको डाउट आने वाली कोई बात नहीं है, तो कहने का सेंस क्या होता है कि हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा k into dt is equal to dx upon a minus x आएगा आपका। तो यहां तक आया कि सर ने क्या किया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k into dt, उसके बाद क्या हो गया कि dx upon ये जो आपका मल्टीपल में है वो डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस एक्स यहां तक बेटा आपका आ गया। तो अब बात आती है कि बेटा कि अब आगे क्या करें, सर आगे बताओ, आप तो डेरिवेशन अभी तक किए स्टार्ट किए हो, तो अब आगे बताओ कि क्या करेंगे। तो बेटा इसको डेरिवेशन में हम देखो आगे क्या कर रहे हैं कि इसे बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले पढ़ाने से पहले बेटा आपको मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और बेसिक टर्म मैंने लिख के आपको समझाया था ताकि आपको जैसे मैं डेरिवेशन वगैरह कर रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बेटा अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इसे बेटा हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, taken their limits। तो बेटा इसे क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड taken their limits। अब क्या करेंगे कि हमें इसे इंटीग्रेट भी करेंगे और प्लस हम इसको क्या करेंगे इसका लिमिट भी ले लेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट भी करेंगे और इसका लिमिट भी हम लेंगे। तो बेटा हम इसको क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कर देंगे, k into dt is equal to dx upon a minus x। तो मैंने बेटा बोला कि इसे आप क्या करो कि इंटीग्रेट कर दो, तो बेटा ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, बेटा ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है जो कि मैंने आपको पिछले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले बताया था। तो मैंने इसको ले लिया,
इसको ले लिया इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू टी। इसको ले लिया कि इसको मैंने ले लिया एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये इनिशियल स्टेज पे जीरो है तो फाइनल पे टी हो जा रहा है, ये इनिशियल पे जीरो है तो फाइनल पे एक्स हो जा रहा है। तो बेटा आप इसका क्या करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो साथ को क्या जांच कर लेते हैं, जांच तो इंटीग्रेट करके आप जांच करो भाई। तो जैसे बेटा मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये के है जो बाहर आ जाएगा, और ये डीटी होता है। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में ही बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म वन होता है उसका इंटीग्रेशन x होता है। यदि t के टर्म में है बेटा तो t होगा, x के टर्म है तो x होगा। आप उस चीज को देख लीजिएगा कि जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन कराने से पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन वगैरह लिखवाया था। तो बेटा यहां पे आप देख लो, तो मैंने क्या किया कि इसको इंटीग्रेट किया तो k कांस्टेंट टर्म हो गया और dt हो गया, तो dt बचा तो उसका t हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा कि t इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू t, फिर इक्वल टू मैंने लिखा, फिर इसका यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा हमारा आएगा माइनस ln a माइनस x, तो हमारा x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू आपका x है। तो बेटा यहां तक आपको इजिली समझ में आ गया होगा, तो ये देखिए कि मैं अब इसके आगे करूंगा, तो पहले समझ ले एक बार और। मैंने पिछले टर्म को रिपीट किया है कि dx upon dt is equal to k a minus x, यानी कि k into dt is equal to dx upon a minus x, यानी कि हमने किया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकन देयर लिमिट्स। अब बेटा मैंने इसको इंटीग्रेट किया कि t is equal to 0, तो t is equal to t, इनिशियल पे 0 है तो फाइनल पे t है, ये इनिशियल पे 0 है तो फाइनल पे x है। तो k into dt, जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा और dt होगा, dt का इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है 1 छुपा होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। और जब 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो कहने का मतलब जो भी ये है, तो k into t, t is equal to 0, t is equal to t, तो ये dt का t हो गया, तो ये dx अपॉन ए माइनस एक्स, तो मैंने इसको क्या किया कि 1 बाई एक्स है तो 1 बाई ए माइनस एक्स, तो ये आप जैसे मैथ में पढ़ते हो कि log x होता है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा क्योंकि a माइनस एक्स है, माइनस ln a माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स। बेटा यहां तक तो आपको इजली समझ में आ गया होगा, यदि आपको मैंने इजली समझा दिया और 100% डन है कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक बेटा आपको कोई डाउट आने वाली बात नहीं होनी चाहिए, अब बेटा हम क्या करेंगे कि इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले बेटा यहां तक आप नोट डाउन कर लें, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए डन है। ये बेटा बोर्ड में आता है, ध्यान रखना। अब इस टर्म के आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो कहने का सेंस ये होता है कि आप अब वैल्यू पुट करो, k into t t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो देख लो, यहां पे मैं पुट करके दिखा दे रहा हूं कि k t t इक्वल टू जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट ही पुट कर लेते हैं।
अपर लिमिट टी है तो केटी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये टी के जगह जीरो है तो के इंटू जीरो हो गया तो केटी आ गया। उसके बाद आपका क्या है कि बोल रहा है कि माइनस एल एन ए माइनस एक्स, अपर लिमिट आपका क्या है माइनस एल एन, तो एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे तो ए माइनस एक्स हो गया। उसके बाद आपका बेटा बोल रहा है कि माइनस एल एन, अब एक्स इजकल टू जीरो पुट करो तो माइनस एल एन एक्स इजकल टू जीरो पुट किया तो देखो कितना आएगा, सही है। मैंने क्या पुट किया कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहां पे टी इजकल टू टी है तो टी, और लोअर लिमिट जीरो है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इजकल टू लॉग ए माइनस एक्स माइनस एल एन ए माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया कि अपर लिमिट एक्स इजकल टू एक्स तो ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, यदि हम क्या करेंगे लोअर लिमिट जीरो होगा तो एल एन ए माइनस जीरो। तो बेटा यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहां से मैंने यहां स्टेप लिखा, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर ले और कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, इसे नीचे मिटाना है आप नोट डाउन कर ले, ठीक है बेटा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सर ने यहां तक आपको लिखवा दिया, तो फिर सर ने बताया कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, तो सर ने बताया कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, तो केटी इजकल टू आपने लिखा, पहले लिख लीजिए एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन, आपका ए आ गया, ठीक है। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे कि केटी इजकल टू, अब ये क्या करेंगे कि आपका जो ये है, यदि माइनस का साइन हम कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो एल एन ए लिख दे रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा तो इस साइड लिख दे रहा है, और ये आपका जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा तो एल एन ए माइनस एक्स। तो बेटा ये मैथ के फॉर्मूले से आपको दिख रहा है कि ये आपका जो फॉर्मूला है आपका किस चीज का फॉर्मूला है, लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला है, लॉग एम बाई एन इजकल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एम बाई एन इजकल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये तो आपको इजली समझ में आ रहा होगा। तो मैंने लिखा बेटा के टी इजकल टू एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स, तो मैंने लिखा जैसे एल एन इजकल टू ए बट्टा ए माइनस एस, कहने का सेंस ये होता है बेटा कि बिकॉज लॉग एम बाई एन इजकल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो जैसे मैंने लिखा कि log m by n इक्वल टू log m माइनस log n, तो कहने का मतलब कि kt इक्वल टू log a बटा a माइनस x, ठीक है बेटा, यहां तक देखो तो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बाद में क्लियर भी हो जा रहा है, नहीं तो बाद में दिख भी नहीं रहा है, बच्चों को डाउट आ रहा है कि दिख नहीं रहा, तो ये तो क्लियरली अब दिख रहा होगा, थोड़ा मार्कर वो कमजोर है तो शायद चेंज करके लिख दे रहा हूं, नहीं तो नहीं दिखेगा फिर। क्योंकि दिखना भी चाहिए ना, सिंस लॉग एम बाई एन इजकल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, अब तो दिख रहा होगा। तो बेटा यहां तक मैंने किया, तो जब बेटा यहां तक मैंने किया तो सर अब बताओ कि अब आखिर करोगे क्या, तो बेटा मैं के इजकल टू लिख दूंगा, k इजकल टू आप जैसे लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, 1 बाई टी एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स, ठीक है बेटा, यहां तक आपने लिखा। उसके बाद एल एन का वैल्यू 2.303 जो भी होगा हम उसे लिख के कंटिन्यू करेंगे, पहले समझ ले कैसे होता है। तो मैंने बताया कि नेक्स्ट स्टेज की, जैसे हमने लिमिट लिया डिफ्रेंशिएट करके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपने देखा कि t इक्वल टू t, t इक्वल टू जीरो, तो अपर लिमिट t इक्वल टू t था और लोअर लिमिट जीरो था, तो यहां पे अपर लिमिट x था तो यहां पे लोअर लिमिट जीरो था, तो कहने का मतलब कि ये बेटा kt हो गया। उसके बाद इसको मैंने लिखा ln a माइनस x ln a, तो कहने का सेंस ये होता है कि जैसे ही हम इसका क्या करेंगे कि यदि ये माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो हमारा ये जो प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस में ही रहेगा, तो ln a
माइनस एल एन ए माइनस एक्स, तो के टी इक्वल टू एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स, तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू वन बाई टी एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स। यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो एल एन इक्वल टू ए बट्टा ए माइनस एक्स सर क्यों लिखे, तो सर ने लिखा है कि चूंकि कहने का सेंस कि बिकॉज या सिंस जो भी बोल सकते हैं लॉग एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो बेटा यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले बेटा, यहां तक नोट डाउन करें, यहां तक आपको इजली समझ में आ गया होगा। तो यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया, अब इसके आगे फिर कंटिन्यू करूंगा, तो इसको मिटा दो। तो बेटा हमने लिखा इसको k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a बट्टा a माइनस एक्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा इसी के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल लगेगा, बेटा इसी के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल लगेगा। ये जो फॉर्मूला बेटा है इसे आप फाइव स्टार फॉर्मूला समझो, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इससे बेटा आपका भर भर के क्वेश्चन आएगा, तो इससे बेटा आपका भर भर का क्वेश्चन आएगा। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया कि 2.303 टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एस। इसको लिख सकते हैं कि दिस रेट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस रेट इज एक्सप्रेस भी लिख दो कि दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेस, या दिस रेट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिस रेट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वेन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज नॉन। इसे बोल सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन रेट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और वेन आप तो देख ही रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन चल रहा है, तो आप तो सीधे लिख सकते हैं दिस रेट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वेन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज क्या है इसमें नोन है। यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। तो बेटा जैसे कि आप देख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो ये क्या करता है कि फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है, k इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, दिस रेट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज नोन। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन डन हो गया बेटा, यहां तक आप नोट डाउन कर ले, और आपका पेपर में आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बेटा, तो मैं कुछ आपको अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, अब मैं अच्छा चीज ये बताने जा रहा हूं कि बेटा हमें क्या करना है कि डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एक ही दिन 6 घंटा पढ़ो, हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाना है, कहने का मतलब ज्यादा नहीं, मैक्सिमम आप पर डे 2 घंटा देना है, 2 घंटा भी नहीं हो रहा है तो बेटा मेरे लेक्चर में नोमेरिकल के साथ आप 2 घंटा नहीं हो रहा, 1.5 घंटा दे सकते हो, 1.5 घंटा भी यदि टाइम नहीं है तो 1 घंटा इनफ है, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से समझा ले जाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे बेटा आप डे बाय डे थोड़ा 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 करके पढ़ते जाओगे, एक दिन स्ट्रांग हो जाओगे, उसके बाद आप दावा ठोकोगे केमिस्ट्री में मैं 100 में 90 प्लस स्कोर करूंगा, तो आप जैसे जैसे डे बाय डे करोगे तो होते जाएगा। और एक चीज ये भी बता रहा था बेटा कि जैसे क्या होता है कि डे बाय डे करने के बाद हम टॉप कर जाते हैं, तो कहने का सेंस ये होता है कि जैसे
कि पानी को क्या होता है कि बर्फ बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ये नहीं है कि पानी को डाला और तुरंत बर्फ बन गया। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा डेली डेली पढ़ते जाना है। उसके बाद एक दिन हम क्या करेंगे, टॉप स्कोरर बनेंगे। और उसी तरह कि पानी को बर्फ बनने में टाइम लगता है, सेम उसी प्रकार सिमिलरली सूरज को, मतलब ढले हुए सूरज को उगने में भी समय लगता है। तो कहने का सेंस ये होता है बेटा कि पानी को बर्फ बनने में समय लगता है, सिमिलरली ढलते हुए सूरज को उगने में भी टाइम लगता है। तो कहने का सेंस है कि ये नहीं कि आप एक दिन में ही टॉप कर जाओगे, आप डे बाय डे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो एक दिन निश्चित ही आप टॉप करोगे। मेरा जो भी केमिस्ट्री है बेसिक से है बेटा, मैं जीरो से हीरो बना के रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। तो बेटा ये है, आप ये जो केमिस्ट्री है वो एज ए कॉम्पिटिशन के लिए भी है, एज ए आपका बोर्ड के लिए भी है, दोनों बच्चों के लिए। दोनों बच्चे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप यहां तक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, आप इसको नोट डाउन कर ले।